ज्ञानतिम्रांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरीं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारणम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जय गोपाल। मेरे प्रिय बहन भाइयों सत्संग प्रेमी जनों स्वागत है आपका सत्संग में। श्रीमद् भागवत गीता अमर अविनाशी सनातन धर्म का ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण शास्त्र है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष गोविंद ने अपनी मुखारविंद से कहा। आइए सप्तम अध्याय में सत्संग का प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि मैं सर्वत्र हूं, सर्वव्यापी हूं, कण कण में हूं, अग्नि में गर्मा गर्मी जो है तेज वो मैं हूं। भगवान कहते हैं पृथ्वी में गंध सुगंध फ्रेग्रेंस ओरिजिनल फ्रेग्रेंस भगवान कहते हैं मैं हूं अरोमा। यदि पृथ्वी के अंदर अरोमा ना हो गंध ना हो तो पृथ्वी पृथ्वी नहीं रह जाएगी, पृथ्वी जल में परिणित हो जाएगी। ऐसा विज्ञान है भगवान का, ये भौतिक संसार की ऐसी साइंस है। प्रलय के समय में ये चीजें देखने को मिलती हैं। पृथ्वी प्रलय के समय में पृथ्वी में से अरोमा खत्म हो जाती है तो ये जल मग्न हो जाती है, यानी जल पृथ्वी का जल बन जाता है। अरोमा है इसलिए पृथ्वी है। जल का जब स्वाद खत्म हो जाता है तब ये जल अग्नि बन जाता है, और अग्नि का जब रूप खत्म हो जाता है तब ये हवा बन जाती है। हवा में से जब स्पर्श ये हवा की तन्मात्रा है निकल जाती है, स्पर्श नहीं होती है हवा उस समय ये हवा भी आकाश बन जाती है। इस तरह से ये क्रमबद्धता से 24 तत्व वापिस मह तत्व में मिल जाते हैं।
मूल प्रकृति में चले जाते हैं जो शाश्वत है। जैसे आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, अजर अमर है, ऐसे ही मूल प्रकृति जिससे 24 तत्व या भौतिक संसार निकलता है, तमाम अनंत ब्रह्मांड, अनंतानंत, ये सब मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, मूल प्रकृति से ही निकलते हैं। इसलिए यहां पर कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो पूर्णतया खत्म हो जाती हो। विलीन तो होता है, संसार विलीन होता है, दृश्यमान होता है, रहता है और फिर विलीन हो जाता है, प्रलय भी हो जाती है प्रत्येक वस्तु की। यह हमारा शरीर अदृश्य हो जाता है मृत्यु के समय, जला देते हैं या दफना देते हैं या मिट्टी में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में चली जाती है, वायु वायु में। लेकिन ये मूल प्रकृति से निकले हुए जितने भी 24 तत्व हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते, नहीं एक ग्राम भी कोई वस्तु यहां नष्ट नहीं होती। मूल प्रकृति शाश्वत है तो उससे निकलने वाली वस्तुएं भी, तत्व भी शाश्वत हैं। उनमें बदलाव आता है, पृथ्वी जल में परिणित हो जाती है, जल अग्नि में परिणित हो जाता है, अग्नि वायु में, वायु आकाश में विलीन हो जाती है, आकाश ये तीनों महाभूत तमोगुण से प्रकट हुए हैं, तमोगुण रजोगुण में विलीन हो जाता है, रजोगुण सतोगुण में विलीन हो जाता है, और ये तीनों गुण ही मिलकर के और मूल तमोगुण जिससे जो महतत्व से प्रथम दर्जे पर निकला था उसमें विलीन, महतत्व में विलीन हो जाती है सब, महतत्व मूल प्रकृति में विलीन हो जाता है। मूल प्रकृति शाश्वत है, एक एक ग्राम भी कोई वस्तु संसार में ऐसी नहीं है जो नष्ट हो जाती हो। इनमें बदलाव आता है, परिवर्तन होता है। आज हमारा ये शरीर बुढ़ापे की ओर जा रहा है, लेकिन एक दिन ये बिल्कुल शिशु था, बालक था, किलकारी मारता हुआ, मां का दूध पीता हुआ। जिस शरीर में बदलाव आता है ऐसी पृथ्वी में भी ब्रह्मांड में भी बदलाव आता है। सभी की आयु जरूर है, आयु का मतलब है कि ये एक दिन जो है अदृश्य भी हो जाता है, विलीन हो जाता है, प्रलय में चला जाता है। लेकिन कोई भी वस्तु किसी भी अंश मात्र से भी नष्ट नहीं होती पूर्णतया। हमको लगता है कि नष्ट हो गया, फलाने का शरीर नष्ट हो गया, फलाने की ग्लास नष्ट हो गया, मकान नष्ट हो गया, कोई चेयर नष्ट हो गई, लेकिन उनका तत्व जो चेयर में जो तत्व था वो कभी नष्ट नहीं होता। आपका शरीर नष्ट हो गया ये कह दिया बड़ी आसानी से, लेकिन शरीर में जितने भी तत्व हैं ये नष्ट नहीं होते। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में। कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती है क्योंकि ये शाश्वत से निकला हुआ शाश्वत है। ओम पूर्णमद है, ओम पूर्णश्च, ये भगवान का मद जो है ये पूर्ण है। इससे निकला हुआ कोई भी पदार्थ पूर्ण है, पूर्ण की कभी मृत्यु नहीं होती। जैसे आत्मा की मृत्यु नहीं होती ऐसे ही संसार ये 24 तत्व मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। ये भी अपनी ओरिजिनल नेचर में चले जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, मूल प्रकृति में समाहित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुण्यो गंधः पृथ्वीभ्याम च तेजश्च अस्मि विवावसो। भगवान कहते हैं अग्नि में जो गर्मी है, तेज है, वो मैं हूं।
तो हमारे शरीर के अंदर गर्मी है, तब हमारा आमाशय भोजन पचाता है। भगवान ने कहा है एक जगह कि ये 49 अग्नियों में वैश्वानर नाम की अग्नि में हूं, जो सभी प्राणियों के पेट में रहकर और उनके अन्न को पचाती हूं, अन्न को पचाता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आसित। तो भगवान वैश्वानर रूप से भी, वैश्वानर अग्नि में प्रधान अग्नि है वैश्वानर, तो ये शरीर के अंदर अगर अग्नि नहीं होगी तो आप सोचते हैं कि हम जिंदा रह सकते हैं? फिर तो डॉक्टर यही कहते हैं कि ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया, आदमी चला गया। पृथ्वी के अंदर अग्नि है, अभी रिसेंटली ज्वालामुखी फटी है इंडोनेशिया में। ये पृथ्वी के गर्भस्थ में अग्नि है, विशेष अग्नि, लावा। पृथ्वी में गर्माहट है पूरी पृथ्वी के अंदर, तब ये पेड़ पौधे, घास, फूल, पत्ते, हम सब जीवित हैं, अलाइव हैं। पृथ्वी में गर्मी जिस दिन नहीं होगी, ये प्लानेट डेड हो चुका होगा। कभी ये पृथ्वी आग का गोला थी, ये सत्य है। जैसे आकाश में विकार प्रकट होता है तो आकाश से हवा निकल, हवा बन जाता है, आकाश का, आकाश से ही हवा बनती है। हवा में विकार होता है, जब हवा वायु विकार युक्त होती है तब ये अग्नि के रूप में परिणित हो जाती है। अग्नि में विकार होता है तब ये जल के रूप में परिणित हो जाती है, जल विकार युक्त होता है तो पृथ्वी के रूप में परिणित हो जाता है। पृथ्वी में विकार आते हैं तो हिमालय के रूप में, पहाड़ों के रूप में, और कठोर से कठोर स्ट्रांग हो जाती है, चट्टानों के रूप में परिणित हो जाती है। नीचे भी चट्टानें चल रही हैं, लेकिन वो चट्टानें ज्वालामुखी जैसी चट्टानें हैं, नदियों की तरह बह रही हुई, बहती हुई चट्टान है, अग्नि की चट्टान है। वो तेज अगर पृथ्वी के अंदर नहीं हो तो इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी जीव नहीं हो। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर गंध है, ये मैं हूं, और अग्नि में जो तेज है, गर्मी है, वो मैं हूं। तो ये पृथ्वी की गर्मी, हमारे शरीर की गर्मी, देवताओं के शरीर की गर्मी, सभी भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं। तो फिर हमको उस प्राणदाता की आराधना करनी चाहिए जिसने जीवन बख्शा है, जो स्वयं अग्नि स्वरूप से हमारे अंदर विराजमान है, हमारी हर नस में, ब्लड में, लीवर में, धमनियों में, किडनियों में, सब जगह भगवान अग्नि स्वरूप से इनको धड़का रहे हैं, दिल को, हृदय को। अग्नि नहीं हो तो दिल नहीं धड़के, कार में अग्नि नहीं हो तो कार कैसे चले। ऐसे ही भगवान अपनी अपनी निराकार स्वरूप से, अपनी शक्ति स्वरूप से ये तमाम सृष्टि को अग्नि दे रहे हैं, चला रहे हैं, हवा दे रहे हैं, लोग सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं, तमाम टोटलिटी ये परम पुरुष के काम है, परमेश्वर के लीला है। इतनी विशेष कार्यक्रम चल रहा है उनके अध्यक्षता में, उस महापुरुष को, परम पुरुष को, परमेश्वर को हम प्रणाम नहीं करें, हम उनके आभारी नहीं बने, उन्हें स्वीकार नहीं, उनकी शरण ग्रहण नहीं करें, उनकी शरण में रहना पसंद नहीं करें, तो हमारे से बड़ा अभागा भला कौन होगा।
पुण्यो गंधा पृथ्वी व्याम, पृथ्वी के अंदर मैं पवित्र गंध हूं, भगवान कहते हैं। पुण्यो यानी पवित्र, पवित्र बोलते ओरिजिनल फ्रेग्रेंस, जो मूल गंध जो है भगवान स्वयं है। बाकी तो केमिकल मिला के परफ्यूम बनाते हैं लोग, ये मूल गंध नहीं है, ये तो उसको विकृत करते हैं जो असली गंध है उसको। पृथ्वी को फर्टिलाइज करने से भी असली गंध छुप जाती है। ये शरीरों में, नर शरीरों में नर गंध उठती है, मादा शरीरों में मादा गंध उठती है। ओरिजिनल मूल गंध जब ये मनुष्य प्रकृति के साथ रहता है, प्रकृति जो अलाउ करती है वो खाता है पीता है, पृथ्वी प्रकृति के विपरीत कोई भी कदम नहीं उठाता, तब इसके शरीरों में नेचुरल फ्रेग्रेंस उठती है। ये गंध के कारण तो नर मादा, नर हिरन होता है वो मादा हिरन को पहचान जाता है, जब मादा हिरन सीजन पे होता है गर्भवती होने के लिए तैयार होती है, तो नर को स्मेल आ जाती है दूर से, मीलों दूर से, और ये संपर्क करते हैं, गर्भ स्थापित हो जाता है। गंध ये पृथ्वी में अरोमा है, प्राकृतिक गंध है, नेचुरल, वो पवित्र है, गंध है ओरिजिनल। इसके कारण से तमाम फूल हैं, फूलों में खुशबू है, जहां जब प्रकृति को, पृथ्वी को विकार युक्त कर दिया है कुछ मनुष्यों ने मिलकर के, केमिकल्स फैला करके, फर्टिलाइजर फैला करके, उन जगहों पर कुछ गंध में फर्क हो सकता है, लेकिन नेचुरल वन के अंदर फूल उगते हैं, खिलते हैं, उनमें गंध देखिए, भारत के फूलों की गंध देखिए। और भारत भी एडवांस टेक्निक अपनाता जा रहा है, तो फिर फर्टिलाइजर फेंक फेंक करके प्रोफेशनल फूल पैदा करते हैं बेचने के लिए, उनमें गंध कहां से होगी, कम हो जाएगी या विकृत गंध होगी, ओरिजिनल गंध नहीं होगी, पवित्र गंध नहीं होगी। पवित्र गंध के लिए प्रकृति के साथ जुड़ के रहना पड़ता है, तभी पूरी पृथ्वी पवित्र गंध छोड़ती है, अपने पेड़ पौधों में भी, फूलों में भी, फलों में भी। जल में भी गंध होती है, ऐसा नहीं जल में गंध नहीं होता। कहीं दुर्गंध स्थान पर क्यों हम दीपक जलाते हैं, क्यों हवन करते हैं, क्योंकि अग्नि में भी गंध होती है, अग्नि की गंध से वो दूषित वातावरण खत्म हो जाता है। ये सभी तो एक ही तारतम्य है, आकाश में पांचों तत्व समाहित है, वायु समाहित है, अग्नि समाहित है, जल समाहित है, पृथ्वी समाहित है, तो आकाश का ही फैलाव है। तो आकाश में भी गंध है, वायु में भी गंध है। ये मत सोचिए कि वायु गंध को उड़ा के ले जा रही है, वायु के खुद के अंदर गंध है और नेचुरल गंध है, ओरिजिनल। भगवान कहते हैं स्पेशली कि ये मत सोचो कि आकाश के अंदर ही गंध है, वायु के अंदर ही गंध है, अग्नि के अंदर ही गंध है, नहीं, पृथ्वी के अंदर भी विशेष रूप से गंध है। तब यहां पर ये सब प्रकार के प्राणी मात्र के अंदर विशेष विशेष प्रकार की गंध है, विशेष विशेष प्रकार की गंध विशेष विशेष प्रकार के फूलों में है, फलों में है, पत्तों में है। तुलसी माँ के पत्ते देखिए आप, एक पत्ता लीजिए प्रणाम करके और मसल के सूंघिए, कितनी गंध है, कितनी ओरिजिनल गंध है। लेकिन उसी, इसलिए तो तुलसी जी को
फर्टिलाइज करने को मना करते हैं और तुलसी सहन भी नहीं करती, किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर तुलसी में नहीं किया जाता। ओरिजिनल प्राकृतिक धरती के ऊपर तुलसी बहुत खुश रहती है और अपनी ओरिजिनलिटी दिखलाती है, ओरिजिनल पत्ते खुशबू फैलाओ। गुजरात में बलसाड़ के अंदर मैंने ऐसे ऐसे तुलसी के वृक्ष देखे हैं जिनमें मैं छुप गया, इतने बड़े बड़े विशाल मैंने जीवन में पहली बार देखी। और खेतों में से उनको निकालना पड़ता है वरना खेती नहीं हो, अपने आप ही उगती है। एक वेदव्यास जी थे हमारे संपर्क में बंबई में, उन्होंने वहां पर कुछ 19 एकड़ जमीन ली थी, तो वहां पर आम के वृक्ष तो थे लेकिन तुलसी अपने आप बहुत उगती थी। तो उन्होंने काट काट के पेड़ों को खेती में से और ढेर लगा रखा था मकान के रूम के अंदर और कहा कि स्वामी जी कोई माला बनाने वाला मिलेगा, इन सब की माला बनवाऊंगा, ये बहुत अच्छी तुलसी है। तुलसी के अंदर गंध है, फूलों में गंध है, हजारा का फूल से लेके गुलाब के फूल से लेके कमल के फूल से लेके तितलियों में गंध है, सर्वत्र तो गंध है। मधुमक्खियों में गंध है और मधुमक्खी जो कलेक्शन करती हैं हनी शहद, कितना गंध है। पुण्यो गंध पृथ्वीभ्याम च तेजस चास्मी विभावसो यानी अग्नि, अग्नि के अंदर गर्मी हो, भगवान कहते हैं गर्मी अगर अग्नि के अंदर नहीं हो तो अग्नि अग्नि नहीं रहेगी, जल बन जाएगी। भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं हूं तो यहां पर किसी की सत्ता नहीं हो, कोई नहीं हो, ये संसार नहीं हो, ये अनंत ब्रह्मांड नहीं हो, आप हम कोई नहीं होगा। भगवान कहते हैं ये देवता भी नहीं होंगे, देवियां भी नहीं होंगी, मैं नहीं होऊंगा तो कहां से दूसरे होंगे, कहां से ब्रह्मांड होंगे, कहां से चांद तारे होंगे। गर्मी नहीं होगी तो सूर्य कैसे सूर्य होगा, जल बन जाएगा। भगवान कहते हैं सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश मैं हूं, तो उनकी धाम से जो ब्रह्म ज्योति निकल रही है करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश, विशेष प्रकाश, उससे ये चांद तारे सूरज ये प्रकाशित हैं। तो भगवान अगर नहीं होंगे प्रकाश स्वरूप से तो यहां पर क्या होगा, अंधकार ही होगा। भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूं, सब जगह हूं, इसलिए ये सब दिखाई देता है, सब कुछ है। पूर्णो गंध पृथ्वीव्याम च तेजस चास्मी विभावसो जीवनम सर्वभूतेश तपश्च आस्मी तपस्विसो। तपस्वियों के अंदर तप ही नहीं होगा तो कौन उसको तपस्वी कहेगा, तपस्वियों के अंदर तप नहीं होगा तो कौन उनको तपस्वी कहेगा, कहेगा नहीं उनके अंदर तप, भगवान कहते हैं वो तप मैं हूं। तो जब भगवान ही वहां पर नहीं होंगे, जीवनम सर्वभूतेषु, सब भूतों का जीवन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हूं, कि आत्मा के साथ परमात्मा है, आत्मा में परमात्मा समाहित है, आत्मा के हृदय में हृदय रूप सेंटर में परमात्मा है। अगर परमात्मा को निकाल लो तो आत्मा की सत्ता नहीं रहेगी। इसलिए परमात्मा जितने भी चैतन्य प्राणी हैं उनमें उन कहते हैं कि मैं इनमें चैतन्य स्वरूप से मैं हूं, जितने भी जीव हैं इनकी चेतना मैं हूं। आत्मा होगी शरीर में लेकिन बेहोशी होगी आदमी को,
होश नहीं होगी, चेतना नहीं होगा। चेतना भगवान स्वयं है, तम चैतन्य रहते हैं, भले बुरे का सबका ज्ञान हमको होता है, अचेतन को ज्ञान नहीं होता। शराब पी के कोई गिर जाए नाली में इधर उधर, कुत्ते पेशाब कर देते हैं, कोई होश नहीं होता, कोई ठोकर मारे पुलिस वाला, कोई होश नहीं होता, बेहोश है। गर्भो रहस्य उपनिषद में इसका वर्णन किया है कि मां के गर्भ में जब सातवें महीने में बच्चा होता है तब परमात्मा प्रवेश करता है उसके हृदय में और आत्मा में समाहित होता है, तब ये चैतन्यता में आता है, बच्चा चैतन्य उठता है सातवें महीने में, और माँ को भी पेट में ही लात चलने लगती है, हाथ चलने लगते हैं, सारी उसकी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, मन जागृत हो जाता है, लेकिन इंतजार करता है बड़ी कठिनाई से, निकलना चाहता है अब तो बाहर, लेकिन अभी परिपक्व नहीं हुआ है, प्रकृति उसको अभी निकलने नहीं देगी जब तक 9 महीने 10 महीने का नहीं हो। लेकिन उस समय ऐसी अवस्था में मां कोई गाना सुनती है तो बच्चा भी सुनता है अंदर,